उसको 6000 RPM के ऊपर ले जाते हैं तो हमें वाइब्रेशन फील होने लगते हैं फुटबैक्स पे। एंड एक बात मुझे बोलनी पड़ेगी इस गाड़ी के बारे में कि व्हाट अ स्मूथ शिफ्टिंग, क्या स्मूथ शिफ्टिंग है भाई, बहुत ही स्मूथ। अब देख रहा हूँ तो फोर्थ गियर में, ओ वाओ क्या बात है, मतलब क्या ही रिफाइनमेंट करी टीवीएस ने। एंड ब्रेकिंग वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, मज़ा आ गया। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, आज हम करने वाले हैं रिव्यू टीवीएस रॉनिन का। ये बाइक है मेरे बड़े भाई सचिन भाई की और वो थोड़े से बिजी थे वरना आपको उनसे मिलवाता। और ये है टॉप मॉडल, तो ये गाड़ी आती है 1.5 लाख से, एक्सोरम प्राइस है 1.5 लाख से 1.75 तक, और ये टॉप मॉडल है तो वो ऑलमोस्ट 2 के आसपास पड़ी होगी। इसमें दोनों, ये देखो ये वाला जो रियर ब्रेक है ये भी ABS है और फ्रंट ब्रेक भी ABS है, मतलब दोनों डुअल ABS है। आगे से दिखती है कुछ ऐसी, तो मैं दिखाता हूँ ऐसे। एंड अगर मैं इसकी चाबी ऑन करूँ तो DRL के साथ दिखेगी, तो एक बार लाइट ऑन कर देता हूँ। काफ़ी बल्की दिखती है ये, काफ़ी बल्की दिखती है, शॉर्ट हाइट है बट इट इज़ बल्की। एंड यहाँ से दिखती है कुछ ऐसी, तो ऐसी इसकी लाइट है आगे की। TVS ने T बना रखा है अपना। एंड फर्स्ट इंप्रेशन की सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, क्रूज़र बाइक है तो काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है। और इसको राइड करते हुए बताते हैं कि कैसा फील आ रहा है, तो ये राइड रिव्यू होने वाला है इस बाइक का। पीछे से टेल लाइट कुछ ऐसी दिखती है एंड इस साइड से कुछ ऐसी दिखती है, तो ये चारों तरफ से हो गया इसका लुक। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट गियर में न्यूट्रल पर ले आते हैं इसको, इट इज़ न्यूट्रल, स्टार्ट करके एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ आपको। उसकी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है अपाचे ने, अपाचे बोल रहा हूँ TVS ने। और अभी मिलते हैं आपको कैमरा पे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ कैमरे पे और निकल रहे हैं थोड़ा सा खुले हुए रोड की तरफ। अगर नहीं मिलेगा खुला हुआ रोड तो हम हाईवे की तरफ चलेंगे, बट मौसम बारिश का हो रहा है एंड होपफुली बारिश ना हो। एंड अभी पता चलेगा इसका राइडिंग कम्फर्ट, वैसे काफ़ी कम्फर्टेबल है, सीट इज़ वेरी कम्फर्टेबल। थोड़ा सा खींच के भी देखता हूँ कि कितना पावर है, क्या क्या पिकअप है। ओके, इस वेरी अजाइल, काफ़ी अजाइल है बाइक, फ्लिकेबल है, इतने में ही फील हो गया मुझे। थोड़ा भैया इनको निकल जाने देते हैं, अपनी बाइक होती तो खींच देते भैया की बाइक है तो थोड़ा सा सेफ चलाएंगे। वाह, बिल्कुल भी पावर की कमी मुझे फील नहीं हुई, क्योंकि वेट इसका है 160 kg, तो काफ़ी अच्छा पुल मारा है बाइक ने, काफ़ी स्मूथ है इंजन। हालांकि हल्के हल्के वाइब्रेशन मैंने फुटपैक से फील करे, बट डोमिनर इतने नहीं है जो मेरी बाइक में वाइब्रेशन है, वो तो भाई एकदम हिला के रख देती है गाड़ी। हालांकि डोमिनर की बात नहीं करेंगे इसके बीच में। भैया निकल जाओ, निकल जाओ भैया, हमें निकलने दो। ओके, तो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी ईजिली RPM ऊपर जाता है। एंड वाओ जो पावर आ रही है गाड़ी में, काफ़ी सही लग रहा है, तो अभी तक के फील एकदम बढ़िया है। आराम से 200-400 किलोमीटर आप इसको लेके जा सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल है एंड काफ़ी स्मूथ है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। हालांकि हायर रैव रेंज पे, यानी कि 6000, तो ये रैव होती है अबाउट 9500 किलोमीटर तक, मैं किलोमीटर बोल रहा हूँ RPM तक, तो 9500 RPM तक रैव होती है। लेकिन जैसे ही इसको 6000 RPM के ऊपर ले जाते हैं तो हमें वाइब्रेशन फील होने लगते हैं फुटबैक्स पे। तो फिर भी इस सेगमेंट में काफ़ी सही रिफाइनमेंट करा है TVS ने, एंड काफ़ी स्टेबल, काफ़ी प्लेंटेड फील हो रही है बाइक। इवन मैं इसको खींच रहा हूँ तो मुझे, मतलब जब मैं डोमिनार के बाद कोई दूसरी बाइक चलाता हूँ, मैंने डोमिनार के बाद एक दिन ये हस्क्वर्ना चलाई थी, तो उस टाइम कैमरा नहीं था अपने पास रिकॉर्ड करने के लिए, बट हस्क्वर्ना में ऐसा लगता था कि मतलब अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो फिसल के गिरूंगा, मतलब कितनी लाइट बाइक है ना, तो ऐसा लगता था ब्रेक लगाने पे मतलब मुझे प्लांटेड फील नहीं हो रहा, कहीं मैं गिरूंगा, कहीं मुझे लगेगी, वो चीज़ इसमें फील नहीं हो रही मुझे। मुझे इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही कि भाई अभी मैं गिरूंगा या मेरे हाथ से बाइक फिसल जाएगी, तो एक कॉन्फिडेंस देती है बाइक, ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है इसको चलाते हुए, कि कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा है कि हाँ भाई मैं गिरूंगा तो नहीं,
अभी इसको एक चीज़ टेस्ट करते हैं, ये तो भगा के हमने देख ली इतना, बट अभी हम एक चीज़ टेस्ट करते हैं इसकी कि जैसे फोर्थ गियर में है तो ये कितना स्लो जा सकती है फोर्थ गियर में। थोड़ा सा मैं सीसा टिक करता हूँ अपना, ये पहले वर्टिकल हो रखे थे, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, मेरे इसको किसी प्रॉपरली देखे अब देख रहा हूँ। तो फोर्थ गियर में, ओ वाह क्या बात है, तो इसकी लोएस्ट गियर स्पीड क्या है, 22, कोई भी बजिंग साउंड नहीं है इंजन से, नथिंग। 22 की स्पीड में फोर्थ गियर में बिल्कुल, और मैं पुल करूँगा तो कोई भी नॉकिंग साउंड नहीं है, मतलब क्या क्या ही रिफाइनमेंट करी टीवीएस ने। मेरी बाइक अभी डोमिनार का मैं देखते हैं, आगे रिकॉर्ड करते हैं इसमें, मैं चेक करूँगा मे बी नेक्स्ट ब्लॉग में कि हमारी एज गियर लो स्पीड कितनी है बाइक की, बट इसको एक बार 22 से भी नीचे ले जा कर देखते हैं कि कितना जा रही है। ओके तो काफ़ी 22 ले गया मैं, और देखते हैं ये कहाँ पे बंद होना चालू होती है। तो 18 भी चली गई और मैंने छोड़ ही दिया एक्सीलेटर, एंड 20 की स्पीड आराम से इसने पकड़ रखी है। ये चीज़ तो मैंने अपनी बाइक में नहीं देखी, बट फोर्थ गियर में 20 की स्पीड पकड़ रखी है। अभी मैं गियर डाउन करता हूँ तो थर्ड गियर में इसने 13 की स्पीड पकड़ रखी है, मतलब बजिंग साउंड नहीं है, गाड़ी नॉकिंग साउंड नहीं है, गाड़ी बंद नहीं हो रही, तो ये लेवल का रिफाइनमेंट किया है टीवीएस ने इसमें। और यहाँ से मैं अगर पुल मारता हूँ तो ये देखो कितने ग्रेजुअली बाइक जो है एक्सीलरेट कर दिया है, और इसको खींचा है मैंने ऑलमोस्ट 1000 RPM के ऊपर, तो 90 गई है थर्ड गियर में, 90 प्लस चली गई है। अभी थोड़ा सा इसको खींच के देखते हैं, ओह वाओ, एंड ब्रेकिंग वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, मज़ा आ गया, मतलब एक फन है। देखो अभी मैंने आराम से ब्रेक लगाए, मतलब मैंने एकदम से ब्रेक लगाए रोकने के लिए तो ये रुकी, तो ये चीज़ बढ़िया लगी। अभी थोड़ा सा आगे चल के इसका स्पीड टेस्ट करते हैं हल्का सा, तो प्रॉब्ली यहाँ से ट्राई करेंगे, बट थोड़ा सा रिस्की रहता है इस रोड पे, काफ़ी दूर का देख के चलना पड़ता है मुझे। तो लाएंगे सेकंड गियर में, ओके 66, थर्ड गियर 91, फोर्थ गियर नहीं खींच पाएंगे, इतना क्लियरेंस नहीं है आगे। ओके लेट्स सी फ्रॉम हियर, ओके गोइंग ऑलमोस्ट टू 120 इन फोर्थ गियर, 120 चू जा रही है गाड़ी फोर्थ गियर में, ऑलमोस्ट 120, मतलब इससे ज़्यादा पुल मार सकती है। अभी मुझे पता नहीं कि इंजन में कितना पावर है, मतलब पावर तो पता है, अगर पावर की बात करें और टैंक की बात करें, सबसे पहले तो क्या इसका 14 लीटर का कैपेसिटी है, तो 14 लीटर पेट्रोल उसमें आता है, 30 to 35 KMPL अगर आप रस राइड करोगे, हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो आपको माइलेज मिल जाएगा 30 से 35 तो मिल ही जाएगा कितना भी तेज़ आप भगाओगे। इसके अलावा क्या है कि 225 cc है, कहाँ तक इसका पावर ख़त्म हो जाता है, जैसे मान लो फोर्थ गियर में तो अभी तक पूरा पावर दे रही है, बट क्या फिफ्थ और सिक्स में पावर दे पाएगी, ये चीज़ देखनी पड़ेगी इसमें। तो एक बार ट्राई करते हैं, मैं भी हाईवे पे ले जाकर ट्राई करता हूँ, लेट्स सी इज देयर एनी, हाईवे पे एक्चुअली कट नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा इधर ही, फिर देखते हैं। ठीक है, गियर में टॉप एंड पे ना पावर लीनियर हो जा रही थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा फील हो रहा है कि पावर जो है मतलब डाउन हो रही है, पावर छोड़ रही है गाड़ी, मतलब पावर ख़त्म हो रही है 225 सीसी के इंजन की एकदम एंड में खींचने के, बट एक बार फिफ्थ गियर में भी देखेंगे। आई डोंट नो कि इसमें छठवा गियर होता भी है कि नहीं, एक बार ट्राई करता हूँ। तो फिफ्थ एंड इट डज नॉट हैव सिक्स गियर, ओके ऐसा ही मैंने सोचा था कि मतलब छठवा गियर कहीं जाएगा जब फोर्थ तक ऑलरेडी पावर जो है ड्रॉप मार दे रही है, लेकिन 225 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और बहुत ज़्यादा स्टेबल। हालांकि मेरी डोमिनार की तरह ही वाइब्रेशन इसमें आ जाते हैं एट द एंड, और फिफ्थ डालूंगा तो या तो फिफ्थ गियर में ज़्यादा पावर नहीं पकड़ रही है, शुरू के 20% में पावर है, और एक बार कंफर्म करेंगे यहाँ से यूटर्न लेते हुए इसकी पावर, तो 5 ही गियर आते हैं, मुझे लगा था इसमें 6 गियर हैं, बट मेक सेंस क्योंकि 225 cc है,
तो इट डज मेक सेंस कि भाई कहाँ तक खींचोगे आखिरकार इंजन को। तो यहाँ से लेते हैं टर्न और यहाँ से करते हैं एक बार थोड़ा सा स्पीड टेस्ट। तो फर्स्ट गियर में खींचते हैं कितना जाती है। फर्स्ट गियर में 42 जाती है, सेकंड में 66, थर्ड गियर में 91, सेम एज बिफोर, एंड फोर्थ में ऑलमोस्ट 110 जाती है, 110, 111, 113, एंड फिफ्थ में देखो मैं फुल मार रहा हूँ फिफ्थ गियर में, बट क्या हो रहा है कि अब वो अपने कंफर्ट मोड में आ गई भाई, क्योंकि उसका इंजन इतना खींच नहीं पा रहा है तो कंफर्ट मोड में आ जाती है। थोड़ा सा और गर्म करके खींचोगे तो 120 चली जाएगी, थोड़ा सा लगते लगाते हुए 120 तो चली ही जाएगी, बट हाँ तो इसका इतना ही है मतलब। ओके, और ऑल्सो एज इंजन ब्रेकिंग, तो आप एकदम से गियर डाउन करके छोड़ सकते हो, इट हैज़ अ ग्रेट इंजन ब्रेकिंग, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंजन के ब्रेकिंग की जगह आप यूज़ करो जो कि मैं यूज़ करता हूँ, उसे कहते हैं रैप मैचिंग। तो अगर आप हल्का सा रैप देकर गियर डाउन करोगे तो पता नहीं चलता बाइक को कि गियर डाउन हुआ है, तो ये थोड़ा सा स्मूथ शिफ्टिंग होती है। तो अभी इस रोड पर चेक कर नहीं सकते पूरा स्पीड, बट मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 120 ये थोड़ा सा मुश्किल से जाएगी, या 120 जाएगी आराम से, बट उसके ऊपर खींच पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इसमें। इस बाइक को मतलब अगर आप क्रूज़ करना चाहते हो तो आराम से फिफ्थ गियर में आप 100 की स्पीड में क्रूज़ मार सकते हो, तो 90-100 इसकी क्रूजिंग स्पीड रहेगी, इसमें आपको कोई भी प्रेशर नहीं आएगा आपकी बॉडी पे, बहुत आराम से क्रूज़ मार सकते हो, काफ़ी एजाइल है। तो लेफ्ट राइट फ्लिक करना हो गाड़ी को तो बहुत आराम से फ्लिक होती है, ये देखो। तो ये भी मुझे सही लगा, मेरी बाइक में डोमिनार में ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए वो फ्लिक करने के लिए, तो वो नहीं है इसमें। एंड शॉर्ट राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। पावर की बात कर रहे थे, शायद पावर की बात करना मैं भूल गया टैंक के चक्कर में। तो इसमें जो पावर है, तो इसमें टॉर्क है 20 Nm का, एंड पावर भी 20 PS की है, ठीक है। तो 20 BHP आपको मिलता है, PS BHP आई डोंट नो अलग होता है कि सेम होता है, बट 20 BHP इट दिस हैव। ओके, तो काफ़ी अच्छी बाइक है, आप अगर अपने गाँव वाँव जाने के लिए या छोटा मोटा 200-250-300 किलोमीटर टूर मारने के लिए सोच रहे हो तो काफ़ी कम्फर्टेबली आप राइड कर सकते हो। डोमिनार 250 के साथ भी आप इसको राइड कर सकते हो, मतलब आपके ग्रुप में अदर बाइक्स हैं जो 200-250 cc की हैं तो उनके साथ आप आराम से राइड कर सकते हो क्रूज़ करते हुए। एक बार क्रूजिंग स्पीड के लिए देखते हैं कि मतलब कितने में। हाँ, वाइब्रेशन मतलब है यार, इनिशियली काफ़ी स्मूथ है, मतलब मेरी बाइक में थ्रू आउट वाइब्रेशन रहता है, मतलब मिड रेंज में गायब हो जाता है। जैसे मेरी भी 9,500 RPM जाती है, बट अराउंड 5,000-7,000 RPM मेरी बाइक में वाइब्रेशन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आ जाता है और शुरू में है, बट इसमें क्या है कि शुरू में नहीं है, बट 6,000 RPM के बाद आपको हिट होता है वाइब्रेशन, फुट फैक्स पे फील होता है, हैंडल बार पे फील होता है, तो आपको मतलब ऐसा फील होता है कि गाड़ी दम लगा रही है। एक तो यार इंजन भी 225 cc है, कितना मतलब इसको चूसोगे, है ना, कितना इसको खींचोगे, तो एक ये चीज़ भी है। तो अभी चल रहे हैं वापस घर की तरफ, तो ये था मेरा राइड रिव्यू। अच्छा, अभी एक दो चीज़ें और रह गई हैं जो कि छोटी छोटी हैं, जैसे कि सस्पेंशन। तो सस्पेंशन इसका सॉफ्टर साइड पे है, तो आपको कंफर्ट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अच्छे से मोड्स भी हैं, अभी ये रेन मोड पे लगी हुई है, एक चीज़ तो मैंने चेक ही नहीं करी, तो अभी ये मोड अब अर्बन मोड पे आई है, तो रेन मोड में थोड़ी सी पावर कम होती होगी, अर्बन मोड में चेक करता हूँ। ओके, थोड़ा अच्छे से पावर पकड़ी है गाड़ी ने, या आई कैन फील इट, थोड़ा पावर अच्छे से पकड़ी है। एक बार यहाँ से टर्न लेते हैं और अर्बन मोड का भी चेक करते हैं पावर कैसा है गाड़ी का। ये भाई खींच के देखा, बट इवन इन अर्बन मोड आप 120 ही ले जा पाएंगे इसको, उसके बाद पावर ड्रॉप होना चालू हो जाती है, एंड फिफ्थ गियर इसका क्रूजिंग गियर है। एंड एक बात मुझे बोलनी पड़ेगी इस गाड़ी के बारे में कि व्हाट अ स्मूथ शिफ्टिंग, क्या स्मूथ शिफ्टिंग है भाई, बहुत ही स्मूथ।
एकदम स्मूथ, मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल फील भी नहीं हो रहा है कि कोई क्लिक आ रहा है गियर में, मतलब तुम्हें ऐसा लेवरेज फील होगा कि गियर डालने में तो समझ में आएगा गियर पड़ा, बट कोई नो, कोई क्लिकिंग साउंड नहीं, कोई खट नहीं, कोई पट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मैकेनिकल साउंड नहीं। तो ये एक मतलब काफ़ी बढ़िया फील है, मतलब गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है इसका, काफ़ी स्मूथ गियर बॉक्स है। और भाई इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मेरे हिसाब से अगर आप इसे कंसीडर करना चाह रहे हैं तो आई गिव अ थम्स अप टू दिस बाइक, ठीक है, मेरे हिसाब से थम्स अप है, काफ़ी बढ़िया फील है, मुझे मज़ा आया, मुझे कहीं मतलब ऐसी पावर की ऐसी कमी फील नहीं हुई कि हाँ यार बिल्कुल पावर ही नहीं है या एकदम से पुल नहीं मार रही है। तो अर्बन मोड काफ़ी बढ़िया है, आप रेन मोड में भी चला सकते हो, रेन मोड में हल्का सा मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं पावर थोड़ा लेट आती है, अर्बन मोड में थोड़ा पावर मतलब 500 RPM नीचे आ जाती है, बस इतना अंतर है। कि अगर आपको रेस मोड में रेन मोड में आपको पावर 6000 के आसपास से फील होगी या 5000 पे फील होगी, तो ये 4500 पे आपको फील हो जाएगी पावर, ठीक है। तो ये रहा इसका राइड रिव्यू, आप बताना आपको कैसा लगा, बाकी कमेंट करके बताना कि कौन कौन इस बाइक को ख़रीदने की सोच रहा है या किस किस के पास ये बाइक है और किस किसने जिस जिसके पास ये बाइक है उसने कितनी कितनी टॉप स्पीड से मारी है। तो इस गियर टॉप स्पीड भी अपनी कमेंट में बता सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई आपको सजेशन है तो ज़रूर बताएं, या आपको इस बाइक के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पूछें। अभी यहाँ पर वीडियो करते हैं बंद एंड हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।